Yesterday we knew about what is a sentence, phrase and clause also. Now once again we are going with the revision. Sentence, a group of words which makes complete sense is called a sentence. Kinds of sentences you know, declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. There are four types of sentences, four type ke sentence hote hain. Declarative sentence do tarah ke hote hain. There are two types, assertive and negative. Assertive says yes or simple thing and negative says no. Okay, now let us go through each type. Declarative sentence, those which make statement, jo ek statement bolte se, the book was on the table, Lenis plays tennis every day. A statement can be negative too. Ek statement negative bhi ho sakta hai, such as I am not hungry, they do not go to school. After that, imperative sentences, those which express commands, requests or entreaties. जो कमांड रिक्वेस्ट है एंटिटीज को शो करते हैं, सच एज बी क्वाइट कमांड हैव मर्सी ऑन अस, ये रिक्वेस्ट हो गई. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, सच एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, हैव यू एवर सीन द कुतुब मीनार, दो दीज आर द क्वेश्चंस. नाउ वी हैव दिस एक्सरसाइज नंबर 2, क्लासीफाई द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच. आपको क्या करना है, इनके एंड में जरूरी साइन लगाना है. आई हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज फॉर यू एंड यू हैव टू ओनली राइट इन द बॉक्स, ओपन द बुक एट पेज 24. दिस इज पेज 24 ओपन करिए, देन इट इज सिंपल सेंटेंस. हाउ हॉट, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हैव यू एवर हर्ड अबाउट कुंभकर्ण, दिस इज अ क्वेश्चन, सो क्वेश्चन मार्क. टर्न द टीवी डाउन, टीवी को डाउन कर दीजिए, टर्न डाउन कर दीजिए, दिस इज फुल स्टॉप रिक्वायरिंग, नॉट ए क्वेश्चन, नॉट एक्सक्लेमेशन. व्हाट चैनल इज द प्रोग्राम ऑन, कौन सा चैनल चल रहा है, क्या चैनल चल रहा है, दैट इज क्वेश्चन. द मून गोज राउंड द अर्थ, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. व्हाट अ लवली गार्डन, कितना बढ़िया सुंदर गार्डन है, दैट इज साइन ऑफ इंटरजेक्शन रिक्वायर्ड. रीड द instructions केयरफुली, instructions को केयरफुली पढ़िए, सो दिस विल also बी अ फुल स्टॉप. कैन यू लेंड मी योर डीवीडी प्लेयर, दिस इज अ क्वेश्चन. आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, दैट इज also a सिंपल सेंटेंस, सो ए फुल स्टॉप. देयर इज अ फोन मैसेज फॉर यू, दिस इज also अ सिंपल सेंटेंस रिक्वायरिंग फुल स्टॉप. हाउ यूजफुल द कंप्यूटर इज, इट विल नीड अ साइन ऑफ interjection as in question number 7. Okay, so this exercise is solved here and you have to do is in your book only. You are not required to fill the copy because it takes lots of time to fill the copy on phones. So whatever is possible, do that in your book only. Now exercise number 3. Here form questions for the given sentences by using the correct question word. Ye question word inhone diye hue hain, aapko isse fill karna hai. जैसे आई लिव इन करायपुर, तो वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो. आई विल मीट यू सून, जल्दी मिलूंगा, जल्दी का मीन्स कब. वेन विल यू मीट मी, ओके, वेन विल यू मीट मी. आई वॉन्ट ए गिफ्ट फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट लाया हूँ. अब यहाँ पे हुज तो है नहीं, इसलिए वॉट Did I buy a gift for my brother? Or who bought a gift for my brother? The dog broke the vase on the side table. Dog ने तोड़ दिया. क्या तोड़ा? Vase तोड़ा है. तो what did the dog break on the side table? My name is Sudhanshu. तो what is your name? What is your name? I studied in Paris. मैंने पेरिस में पढ़ाई की, तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वेयर डिड यू स्टडी,
वेयर डिड यू स्टडी, वंस अगेन वेन विल यू मीट मी, हु वॉन्ट ए गिफ्ट फॉर योर ब्रदर, हु वॉन्ट अ गिफ्ट फॉर योर ब्रदर, हु ब्रोक द बेस ऑन द साइड टेबल, वॉट इज योर नेम, हु स्टडीड इन पेरिस. इन दिस वे योर एक्सरसाइज विल बी सॉल्व. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. लेकिन उससे पहले चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन टैग्स पर. एक क्वेश्चन टैग क्या होता है, सो फॉर दैट डेफिनेशन. अ क्वेश्चन टैग इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन विच अ डिक्लेरेटिव और एन इम्परेटिव स्टेटमेंट इज टर्न्ड इनटू इंट्रोगेटिव फ्रेगमेंट. द टैग एक ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंस में चेंज कर देते हैं. हाउ, कैसे? अगेन गो हियर. यू लाइक मैंगोस, आपको मैंगो पसंद है? क्या नहीं पसंद है? डोंट यू? दे आर नॉट टायर्ड, वे थके नहीं है, आर दे? अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक असर्टिव सेंटेंस था तो हमने इसका टैग नेगेटिव बना दिया, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस था तो टैग असर्टिव हो गया. इसका मतलब हुआ कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका टैग अफर्मेटिव होगा, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा. इज दैट क्लियर? द अबव स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय ए क्वेश्चन एट द एंड इन इटैलिक्स. इटैलिक्स में क्वेश्चन टैग है. दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स, इनको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. इफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज नेगेटिव. सिमिलरली फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस अ पॉजिटिव क्वेश्चन इज यूज्ड. अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग और सेंटेंस के बीच में हम कॉमा यूज करते हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर 4. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस फॉर यू. राइट द क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन टैग्स टू चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स टू क्वेश्चन. जैसे इट इज नॉट रेनिंग, इज इट? मीरा वॉज लाफिंग, वॉजेंट शी? दे विल गो टू द पार्क, वोंट दे? ही इज वेरी फ्रेंडली, इजंट ही? वी कैन नॉट गो टू द मूवीज, कैन बी? Now I have left some sentences for you, 6, 7, 8 that you have to do by yourself. And now please keep safe, be happy and solve the exercise in your book. Once again I say, इस एक्सरसाइजेस को आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल फोन से काम करने में बहुत ही स्ट्रेस होता है. तो आपकी आंखों का ध्यान रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक्सरसाइजेस अपनी बुक में ही फिल कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी आंखों पर, आईज पर कम से कम स्ट्रेस पड़े. हैव ए हैप्पी डे, एन्जॉय योरसेल्फ्स.